जी बड़ी दे दे। अच्छा शायद मेन मेरा तो चलो छोटा काम था, इसके बाद आगे मेरे घर वालों की बारी। जो मेरी भाभी शादी करके आई है ना घर पे, वो मेरे मामू की बेटी है। 5 से 6 साल हो गए उनका रिश्ता हुए हुए, लेकिन शायद पैसों का बंदोबस्त ही नहीं मेरे अब्बू से हो रहा था कि शादी कर ले। लेकिन अब उन्होंने कहा कि नहीं हमने करनी है जो भी हो जाए। अब अगर ना करते तो खानदान में बहुत मसाइल पैदा होने थे। अच्छा अब्बू ने हामी भर ली के ठीक है, हमने भी बोला कि चले आप करें, अल्लाह का नाम लें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला हमारी मदद करेंगे। और फिर हम आपके प्लेटफॉर्म के साथ भी जुड़े हुए थे तो हमें था कि इंशाल्लाह ताला होगा। तो शाह साहब हमने दिन वगैरह रख लिए, तो अम्मी को मैंने बोला कि हम ना वजीफा लेते हैं। अम्मी पहले भी वजीफा कर रही थी वैसे। मैंने कहा शाह साहब के प्लेटफॉर्म से ना शादी के लिए भी वजीफा मिलता है। मैंने अपने ग्रुप में एडमिन से बात की, उन्होंने ना हमें वजीफा दिलवाया सिस्टर दायरा से। अम्मी को 66266 दिलवाया था क्या बात है। कि पैसों का बंदोबस्त हो जाए। तो सिस्टर दायरा ने बोला था अब आप लोग आएंगे ना तो टेस्टिमनी लेके आइएगा। और शाह साहब माशाल्लाह से चांद रात वाले दिन मेरी ताई आई है, मेरे सबसे बड़े जो ताई है उनकी बेगम आई, वो हमें 10 लाख रुपया दे के गई क्या बात है यार, फर्स्ट क्लास में एज अ तो शादी गिफ्ट, में एज अ बिरयानी गिफ्ट दे के गई है। वो बटी वापिस नहीं नहीं, होगी, फिकी होगी इतने बिरयानी 10 लाख में, तो क्या बात है यार, है ना, गुड है। लोग पिलो फाइट करते थे, आप लोगों ने शादी वाले दिन, रुखसती वाले दिन बिरयानी फाइट की होगी। गो ऑन बाजी, गुड है, अल्लाह ताला ब्लेस यू। जी यही यही अल्हम्दुलिल्लाह यही जी यही मौजा है कुरान का, यही मौजा है कुरान का। ये जी बात अब कैसे शायद समझाया मेरी अम्मी जाए। बीच में थोड़ा सा हुई थी आगे पीछे, मैंने कहा नहीं हमने इनका पल्ला नहीं छोड़ना, जो मर्जी नहीं हो जाए आगे पीछे हो हम आगे जाता है, काम आदमी बड़े इंशाल्लाह बड़े, कुछ लोग तो ऐसे जी आगे होते हैं कि वो वापस आ ही नहीं पाते।